लाखों का टैक्स चोरी करने वाला डब्बा कारोबारी गिरफ्तार, मौके से लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क बरामद। मुंबई के डिंडोसी पुलिस स्टेशन ने मलाटपुर के इलाके से एक कमोडिटी मार्केट में गैरकानूनी तरीके से डब्बा कारोबार करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के नाम देवेंद्र ओम प्रकाश थानवी व पंचवटी एक रहेजा टाउनशिप मलाड का रहने वाला है। राज चैम्बर्स कार्यालय के चौथी मंजिल मंचू भाई रोड दफ्तर में टैक्स चोरी का काम करता था। पुलिस ने उसके पास से कई हार्ड डिस्क, एक सीपीयू हार्ड डिस्क, 3 नोटबुक जब्त की है। पुलिस ने सरकार से टैक्स चोरी धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल मंगलवार शाम लगभग 8:30 बजे डिंडोसी सहायक पुलिस निरीक्षक बोराटी को एक गुप्त सूचना मिली कि मलाड के राज चैम्बर में एक शख्स लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर का उपयोग करके शेयर खरीद और बिक्री का गैरकानूनी काम करता है, जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, सेबी टर्न फी, एक्सेस ट्रेडिंग रेवेन्यू टैक्स शामिल हैं। इन शेयरों के माध्यम से वह करोड़ों का कैश का ट्रांजैक्शन रोज करता था, जिसके माध्यम से सरकार से टैक्स चोरी होती थी। इस तरह की सूचना के बाद पुलिस स्टेशन ने आरोपी को धर दबोचा और मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि डब्बा ट्रेडिंग के लिए न तो कोई औपचारिकता की जरूरत होती है, न ही पैन कार्ड या KYC की। इसके अलावा डब्बा कारोबार में काला धन का भी इस्तेमाल होता है। डब्बा ऑपरेटर ग्राहकों को कम से कम मार्जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करने की छूट देते हैं। इन सौदे को बाजार की प्रणाली में शामिल नहीं किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मुंबई। शेयर मार्केट में काम करने वाले एक डब्बा कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी है कि वह टैक्स चोरी करने का काम करता था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या पूरा मामला है? इसमें एक देवेंद्र थानवी 37 साल का एक आदमी है। इसको मालाड पूर्व से उसको ताबे में लिया था, तो उसके पास 5 मोबाइल्स, एक लैपटॉप, पेन ड्राइव, जो हार्ड डिस्क, CPU, इस तरह का सामान मिला। और उसके जो कंप्यूटर, मोबाइल्स उस चेक करने के बाद ये पता चला कि वो डब्बा का शेयर मार्केटिंग जो है तो उसमें एंगेज था। जैसे कि जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो चुराने का उसका ये था, तो उसमें जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है, या स्टेट गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी होता है, तो ये सब जो फीस है, टैक्सेस है, ये चुराने के लिए उसका वो एक बिजनेस चल रहा था। तो उसको ताबे में लिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के आगे का इन्वेस्टिगेशन वो जारी है। उनका कहना है तकरीबन 223 करोड़ का कुछ उसने वो ट्रांजैक्शन किया है, तो इस हिसाब से जो टैक्स चोरी है उसने की है, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन चालू है और उसके खिलाफ 420-406 IPC के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया है। ठीक है।